वेलकम टू सेज आईएएस एकेडमी। आज हम रिपब्लिक, पहले तो सबसे पहले सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रिपब्लिक डे के मौके पर हम कुछ मिथ जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है और कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान भारत का है उसे समझने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो हम देखेंगे आज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हमारा संविधान, जो सभा थी जिसने हमारा संविधान बनाया, वो किस तरह से बनाया, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आई, हमारा भारत का विभाजन पार्टीशन कैसे हुआ। और मैं आपको बताऊं, यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस डोमेन से आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन टोटैलिटी में देखें कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या किया, हमारा संविधान कैसे बना, और नेचुरल लॉ जो डिफरेंट डिफरेंट लॉ है, जो कानून है, और संविधान में क्या फर्क है। तो स्टार्टिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखिए 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुई और ये 1945 तक चली। 1945 में आपने सुना होगा 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया आफ्टर नागासाकी एंड हिरोशिमा का जो न्यूक्लियर बम अटैक हुआ था। इसलिए भी समझिए इस बात को, 15 अगस्त 1947 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आप कहते हैं, जिसमें भारत स्वतंत्र हुआ, उसकी डेट भी क्या रखी गई, 15 अगस्त। वो इसलिए रखी गई थी कि जापान ने भी सरेंडर कब किया था, 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया, उसके दो साल बाद भारत को आजादी मिली। तो हम देखेंगे इसके पीछे क्या रीजन है और क्या क्या मोडेलिटीज हैं हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा कैसे बनी। पहली बात आप ये समझिए, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रिटिशर्स पे बहुत सारा प्रेशर था इंडिया छोड़ने का, कुछ इंटरनल प्रेशर थे यानी हमारे भारत के तरफ से था, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम थे, जो इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर थे, उनकी तरफ से प्रेशर था, कुछ वर्ल्ड के लेवल पे भी प्रेशर था। तो हम पहले इन प्रेशर्स को देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया क्यों छोड़ा, उसके बाद हम देखेंगे जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए, अंग्रेज भारत छोड़ के गए, तो उन्होंने भारत की क्या दुर्दशा करी और भारत को क्या दिया और क्या लिया। तो स्टार्टिंग विद व्हाई ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा। चलिए मैं बहुत डिटेल नहीं, बहुत संक्षिप्त और सिनॉप्सिस के वे में आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत डिटेल के लिए तो आपको क्लासरूम में आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सिनॉप्सिस की फॉर्म में देखें तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया क्यों छोड़ा, पहला कारण रहा उसका नाम है अटलांटिक चार्टर। पहले हम ले लेते हैं इंटरनेशनल प्रेशर, कि वैश्विक स्तर पर ब्रिटिशर्स पे बहुत सारा प्रेशर था। कौन सा प्रेशर था, जैसे सबसे पहले अटलांटिक चार्टर में विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और रूजवेल्ट जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, दोनों ने एक मिड अटलांटिक ओशन में एक चार्टर, एक लॉ साइन किया, और उसका कहना था कि हम जितनी भी कॉलोनाइज यानी उपनिवेश कंट्रीज हैं, देश हैं, उन सबको आजादी देंगे। जैसे भारत भी आपको पता है ब्रिटिशर्स का एक उपनिवेश था, ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनाइज कर रखा था। तो जितनी भी कॉलोनाइज कंट्री हैं, जिसे आप हिंदी में उपनिवेश कह सकते हैं, उन सब कंट्रीज को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब बेटा यह होता है कि इन सबको आजादी दी जाएगी कि आप किसी साम्राज्य के अंदर रहना चाहते हैं या अपनी कंट्री मांगना चाहते हैं, उसे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो पहला इंटरनेशनल प्रेशर था अटलांटिक चार्टर, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जब ये साइन करा तो वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद इंटरनेशनल प्रेशर आया ब्रिटिशर्स के ऊपर कि आपने ये लॉ साइन किया था, आपने ये चार्टर साइन किया था, अब आपको देश छोड़ना पड़ेगा। जितनी भी कॉलोनी है, चाहे म्यांमार है,
चाहे श्रीलंका है, चाहे इंडिया है, इन सब को आपको डीकोलोनाइज करना पड़ेगा। सेकेंड प्रेशर यूएसए की तरफ से था, रूजवेल्ट गवर्नमेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, डेमोक्रेटिक पार्टी के आते थे। रूजवेल्ट का कहना था कि आज का समय कोलोनाइजेशन का नहीं है, अगर आप किसी भी कंट्री को कोलोनाइज करते हैं तो उसमें आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी, अपनी डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट भेजने पड़ेंगे। मान लो सिविल सर्वेंट भेजे गए, बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स भेजे गए जो ब्रिटेन से इंडिया भेजे जाते थे, उनकी सैलरी, उनका पेंशन। फिर मान लो कोई निकल गया जनरल डायर की तरह, उसने पूरी भीड़ पे गोली चलवा दी, तो ऐसे लोगों के लिए एक तो आप सैलरी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, और ये सिविल सर्वेंट बड़े महंगे पड़ते हैं, तो डायरेक्ट कोलोनाइज करके कोई फायदा नहीं है। अब जो नया दौर है वो है न्यू कोलोनाइजेशन का, यानी न्या उपनिवेश का। न्यू कोलोनाइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी कंट्री को डायरेक्टली कंट्रोल ना करो, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लो। जैसे आपने सुना होगा चाइना अपनी कर्जा नीति, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में श्रीलंका को फंसाता है। श्रीलंका की गवर्नमेंट जो राजपक्षे गवर्नमेंट है, वो आपने देखा होगा फंडेड बाय द चाइना, चाइनीज। तो न्यू कोलोनाइजेशन का दौर है, कोलोनाइजेशन में कुछ नहीं रखा, हर कंट्री नेशनलिज्म मांगती है, और किसी दिन ये पकड़ पकड़ के 3 लाख ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं है, और उस समय 1945 की जो हमारी पॉपुलेशन है वो 35 करोड़ है। तो 35 करोड़ पॉपुलेशन अगर 3 लाख ब्रिटिशर्स को एक थप्पड़ में मारेगी तो ये अरब सागर से सीधे आपको इंग्लिश चैनल में मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कॉलोनाइजेशन का दौर नहीं रहा है, किस चीज का दौर आ गया है, न्यू कॉलोनाइजेशन का। यह दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर है। तीसरा इंटरनेशनल प्रेशर है यूएसएसआर की तरफ से। आप सबको पता है सोवियत संघ का गठन हो गया था 1917 की रशियन रेवोल्यूशन के साथ। रशियन जो क्रांति आई थी उसमें लेनिन पावर में आए, लेनिन के बाद स्टालिन पावर में आए, और स्टालिन ने यूएसएसआर को बड़ा पावरफुल बना दिया। इवन हिटलर को हराने वाला भी स्टालिन था, चर्चिल ने इतनी मेहनत नहीं करी जितना स्टालिन ने करी। तो यूएसएसआर का इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा था कि जितनी भी कंट्री डीकोलोनाइज हो रही थी, जितनी भी कंट्री साम्राज्य के चंगुलों से छूट रही थी, वो सब यूएसएसआर का ब्लॉक ज्वाइन कर रही थी। इसलिए भी आपने देखा होगा इंडिया अपने कुछ 5 ईयर प्लान तक, इवन 1970s तक, सोशलिज्म के प्रिंसिपल पे रहा, समाजवाद के प्रिंसिपल पे रहा। जितनी भी कंट्री डीकोलोनाइज हुई, जितनी भी कंट्री आजाद हुई, उन्होंने समाजवाद का पाथ चुना, बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम एंड बिकॉज ऑफ यूएस इन्फ्लुएंस फ्रॉम यूएसएसआर। तो तीसरा इंटरनेशनल प्रेशर ये था। नेक्स्ट इंटरनेशनल प्रेशर जो आपको बताएं वो ब्रिटिशर्स की खुद की कंट्री से भी था, यानी खुद की होम ग्रोन कंट्री से। लेबर पार्टी जो क्लेमेंट एटली की थी, और चर्चिल की पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, लेबर पार्टी का कहना था कि भाई आप किसी को गुलाम कैसे बना सकते हैं, ये तो जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं जो 1948 में आएंगे, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट है। तो लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के अगेंस्ट थी, और इसलिए आप देखिए जैसे 1945 के वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ, लंदन में ब्रिटेन में इलेक्शन हुए, लेबर पार्टी जीत के आई और इसके प्राइम मिनिस्टर आए क्लेमेंट एटली। क्या नाम था उनका? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली के आते ही उन्होंने हमारे इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान भेजा, जो कैबिनेट मिशन प्लान हमारी संविधान सभा बनाएगा। समझ में आया आपको? तो फोर्थ इंटरनेशनल प्रेशर जो था ब्रिटिशर्स के तरफ से खुद की होम ग्रोन प्रेशर था, यानी उन्हीं की कंट्री कह रही थी कि भाई अब उपनिवेश काल नहीं रहा है। नेक्स्ट, आपने शुरुआत में एक अटलांटिक चार्टर सुना था। अटलांटिक चार्टर में दो ऑर्गेनाइजेशन आई थी, एक गैट, एक यूएनओ। यूएनओ गैट जनरल
एंटी अवॉइडेंस ट्रेड एग्रीमेंट जो बाद में WTO बनती है बेटा, बाद में जाकर। गैट का ये प्रिंसिपल था कि ट्रेड के बेसिस पे आप किसी कंट्री से ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं कर सकते, यानी उस कंट्री का जो धन दौलत है उससे खत्म नहीं कर सकते जैसे ब्रिटिशर्स करते थे। इंडिया से सारा पैसा कहां ले जाते थे? ब्रिटेन में। जो ब्रिटिशर्स करते थे ना, इंडिया से सारा पैसा ब्रिटेन ले गए, और ब्रिटेन से अगर सामान इंडिया में आ रहा है तो वो सस्ता पड़ता था, इंडिया से अगर ब्रिटेन सामान जा रहा है तो वो महंगा पड़ता था। तो हम ट्रेड भी नहीं ब्रिटेन से कर पाते थे। जब से गैट आया तो जितनी भी एंटी ट्रेड प्रैक्टिसेस थी वो सब खत्म हो गई। खत्म क्या, बहुत कम हो गई, मिनिमाइज हो गई। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अटलांटिक चार्टर में आई, उसका भी कहना था कि कोई भी कंट्री कॉलोनाइज नहीं कर सकती। तो यूनाइटेड नेशन का भी प्रेशर बहुत ज्यादा था, और उस समय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की लोग बात सुनते थे, आज की तरह नहीं था कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और UNO सोया हुआ है, ठीक है, उस समय सुनी जाती थी। नेक्स्ट, इंडियन प्रेशर जो सबसे बड़ा था, यानी हमारे भारत से खुद के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका प्रेशर। अब समझिए इंडियन प्रेशर की बात, हमारे भारतीयों ने कौन सा प्रेशर डाला जो ब्रिटिशर्स अंग्रेज भारत छोड़ के गए। सबसे पहले नेशनलिज्म, आप एक बात समझिए, नेशनलिज्म अब कोर एंड फोर फ्रंट में आ चुका है, इतना फोर फ्रंट पे आ चुका है कि आप इंडियन नवल म्यूटिनी हो जाएगी, इंडियन एयरफोर्स म्यूटिनी हो जाएगी, यानी जो ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स थे, जो फोर्सेस में हमारे जो इंडियंस काम करते थे ब्रिटिशर्स के अंदर, वो म्यूटिनी कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। और इस विद्रोह के कारण ब्रिटिशर्स को लगेगा कि अब हमारे इस देश में कोई काम नहीं बचा है, क्योंकि अगर आर्मी ही विद्रोह कर दे तो आपका अस्तित्व कोई नहीं बचा सकता। तो नेशनलिज्म इतना फोर फ्रंट पे था कि हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी एयरफोर्स, ये भी विद्रोह कर गए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो आप समझिए नेशनलिज्म फोर फ्रंट पे था, हर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना आ चुकी थी, जो आज भी हर किसी के दिल में है। तो सेंटीमेंट्स जो थे, एंटायर सेंटीमेंट्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। नेक्स्ट कॉज जो हमें देखने को मिलता है, इंडियन प्रेशर। अब जो बम्स एंड गन्स थे वो बहुत इजीली अवेलेबल थे, ब्रिटिशर्स को इवन ये भी पता था कि ये शहीद भगत सिंह और सदगुरु, ये जो शहीद भगत सिंह और आपका बिस्मिल खान या शहीद आजाद, जो चंद्रशेखर आजाद है, उनका समय नहीं रहा है, उनके समय बम्स एंड बंदूकें जो थी वो फिर भी कम उपलब्ध थी, अब हर किसी के पास बम्स एंड गन्स हैं। तो ब्रिटिशर्स को ये भी था कि अगर रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की वेव आई, यानी लोगों ने गोली उठा ली, तो देयर विल बी वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर द ब्रिटिशर्स। थर्ड, ब्यूरोक्रेसी भी, जो सिविल सर्वेंट थे वो भी अब अनरिलायबल हो गए थे। मोस्टली जो ब्यूरोक्रेसी थी वो कैसी हो गई थी, अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आप देखिए जो भी ये ब्यूरोक्रेसी उस समय आती थी, पहले तो ब्रिटिशर्स के साथ देते थे, जनरल डायर ने एक बार जलियांवाला में कहा कि गोली चला दो, तो सारे जो भी इंडियन सोल्जर थे उन्हें गोली चला दी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब अगर आप ब्यूरोक्रेसी से कहोगे कि गोली चला दे तो ब्यूरोक्रेसी गोली नहीं चलाएगी, तो अनरिलायबल ब्यूरोक्रेसी हो चुकी थी। तो ये सब कुछ कारण थे जिसके कारण ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ा। अब आ जाते हैं हम अपने मेन मुद्दे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सब पानी पी ले जिससे कि दिमाग में ऑक्सीजन बना रहे। चलिए अब समझते रहिए एक चीज, अब ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना है, ठीक है, और ये क्लियर हो चुका है
क्लियर इतना हो चुका है कि इन्हें भी पता है कि अब हमारा अस्तित्व खतरे में है। अब अगर हम 3 लाख लोग बचे हैं यहां पर, अगर हमारे खिलाफ कुछ हो गया तो 1857 के रिवोल्ट से भी बुरा होगा। 1857 की रिवोल्ट में आपको पता होगा किस तरह से ब्रिटिशर्स की जो वुमेन्स थी या चिल्ड्रन थे उनका भी मैसेकर 1857 की रिवोल्ट में हुआ था, जो 1857 की क्रांति है। तो ब्रिटिशर्स को पता था कि अब हमारा अस्तित्व भी खतरे में है। अब ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना है, समझिए इस बात को। तो इंडिया छोड़ते समय 3 लाख जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें लंदन जाना है वापस, ये अपना सेफली ब्रिटेन जा सके, इसके लिए एक अंतरिम सरकार यानी इंतरिम गवर्नमेंट की जरूरत है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। जैसे आपने देखा होगा यूएसए ने जब अफगानिस्तान छोड़ा तो एक अंतरिम गवर्नमेंट थी ना, अफगान नेशनल गवर्नमेंट, उसे फिर बाद में कौन यूसर्प कर लेता, तालिबान, ठीक। तो ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर हम जा रहे हैं तो इसके बीच में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक गवर्नमेंट जरूरी है। उस गवर्नमेंट को कहा गया अंतरिम गवर्नमेंट, इसे अंतरिम सरकार भी कह सकते हैं। दूसरा, हम जब चले जाएंगे तो इंडिया अपने आ रहे हैं, लेकिन हमारे जाने बाद कौन रूल करेगा? तो उसके लिए कंसेप्ट आया कि इंडियंस अपने आप को क्या देंगे, संविधान, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। और लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे, संविधान बनेगा कैसे, इसके लिए बनाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। आप सुनते रहिए, 2 मिनट में इंटरेस्टिंग बनाएंगे, रुक जाओ पहले। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी और अंतरिम गवर्नमेंट जो होगी, ब्रिटिशर्स यहां है 1945 में और एटली अनाउंसमेंट करता है कि जून 1948 से पहले हमें इंडिया छोड़ना है। क्लेमेंट एटली पावर में आ जाता है, चर्चिल को हटाकर पावर में आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए कि चर्चिल वही आदमी है जिसने हिटलर के खिलाफ लड़ाई करी और हिटलर को हरा दिया, फिर भी ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो चर्चिल जीता नहीं, क्लेमेंट एटली जीत गया, दूसरी पार्टी का आदमी जीत गया। क्यों? आप लोग बैठे हैं, बताइए क्यों जीत गया क्लेमेंट एटली, क्यों जीत गया चर्चिल नहीं जीता? चर्चिल का कहना था कि हमने तो अभी जर्मनी को हराया है, इससे बड़ा साम्राज्य बनाएंगे हम। क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी से आता था, उसका कहना था भाई ये साम्राज्य में कुछ नहीं रखा, घर घर से 10 मिलियन लोग मरे हैं ब्रिटेन के, घर घर से बच्चे मरे हैं, समझ में आया? तो वॉर टायर्डनेस थी, यानी युद्ध में जब आप बहुत लड़ते हैं तो एक बार एक टायर्डनेस आ जाती है, एक होम सिकनेस आ जाती है, वो कहता है संदेश आते हैं हमें बुलाते हैं। तो उस तरह का कंसेप्ट ब्रिटेन में आ गया था और ब्रिटेन की जनता ने कहा ये जो चर्चिल है ये बागर बिल्ला है, ठीक है, इसको कोई अस्तित्व नहीं है, इसे भगाओ। और क्लेमेंट एटली पावर में आ गए, समझ में आई बात? समझिए, अब अंतरिम गवर्नमेंट से लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब ब्रिटिशर्स अलग अलग प्लान लेके आएंगे कि किस तरह से अंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाए और कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए क्लेमेंट एटली एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजेगा इंडिया। क्या भेजेगा? कैबिनेट मिशन प्लान, कि अपनी बहुत ही ज्यादा जो ट्रस्टवर्दी कैबिनेट के मिनिस्टर्स होंगे, जो केंद्रीय मंत्री होंगे यूके के, उन्हें भेजा जाएगा। और अंतरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार कैसी होगी, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान आएंगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा राजा जी फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट, ठीक है, फिर आपने सुना होगा वेबल्स प्लान, सुना है आप सबने, सबने पढ़ा होगा। ये सब अभी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि फिर तो बहुत डिटेलिंग हो जाएगी, ठीक है, यूट्यूब की क्लास है, ज्यादा बच्चा मतलब क्या माइक ऑफ है बेटा, तो बैकग्राउंड बताना है, नहीं बैकग्राउंड तो तुम्हें बता रखा है ना, छोड़ो, यहां यहां देखो, बातें नहीं करनी है, इधर आओ। तो अंतरिम गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स आएंगे, राजा जी फॉर्मूला, देसाई लियाकत, उसके बाद वेबल्स प्लान, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कैबिनेट मिशन प्लान, इसके बाद इंडिया कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद इंडिया कैसा होगा, तो एक इसमें प्लान आएगा जिसे प्लान बालकन कहते हैं। प्लान बालकन में माउंटबेटन ये कहता है कि जितने भी प्रोविंसेस यानी जितने भी स्टेट हैं और जितनी भी प्रिंसिपल स्टेट्स हैं उन सबको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दे दो। वो भारत ज्वाइन करना चाहे तो भारत ज्वाइन करे, पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहे तो पाकिस्तान करे, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र ज्वाइन करे, स्वतंत्रता लेके आए। कांग्रेस ने जो समय की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी और मुस्लिम लीग जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी, दोनों का कहना था ऐसे तो पूरे इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। बाल्कनाइजेशन का मतलब छोटी छोटी कंट्री बांट देना, तो 600 से ज्यादा कंट्री बनती इंडिया में, ठीक है। तो उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया जिसे हम प्लान बाल्कन कहते हैं। फिर माउंटबेटन एक और प्लान लेके आया जिसे जिसका नाम था माउंटबेटन प्लान, जिसके ऊपर आपका पाकिस्तान बनेगा। तो इन सब की डिटेलिंग हम करेंगे लेकिन लेटर ऑन, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ये जो चार पांच चीजें मैंने बताई ये बहुत आसान है, चले आगे, अब सुनते रहिए। हम आ जाते हैं अपने प्यारे संविधान पर, क्योंकि स्टोरी यहां से है। तो मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर से जब जा रहे थे तो उन्होंने कौन कौन से प्लान है उनके लिए। एक तो अंतरिम सरकार, यानी अंतरिम सरकार कैसी होगी, यानी हमारा सेफ पैसेज होगा कि नहीं होगा, 3 लाख ब्रिटिशर्स है, मारा काटा तो नहीं जाएगा। और आपको जान के हैरानी होगी जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए एक ब्रिटिशर्स को नहीं मारा गया, एक ब्रिटिशर्स, एक अंग्रेज हमने नहीं मारा। समझ में आया, ये सबसे ज्यादा पीसफुल ट्रांसफरेशन ऑफ पावर था, इससे ज्यादा पीसफुल ट्रांसफरेशन ऑफ पावर कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। इंडिया सच अ पीस लविंग कंट्री। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्लेमेंट एटली एक अपना कैबिनेट मिशन प्लान भेजेगा 1946 में। लेकिन क्लेमेंट एटली कैबिनेट मिशन प्लान भेजने से पहले यह कहता है कि पावर में कांग्रेस भी क्लेम कर रही है कि हम इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मुस्लिम लीग भी रिप्रेजेंट कर रही है, मुस्लिम लीग भी कहती है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम्स को, सरदार बलदेव सिंह उनका कहना है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिख को, हिंदू महासभा ये कहती है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदू को। तो बहुत सारी पार्टियां, हर कोई क्लेम कर रहा है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक काम करो, इलेक्शन करा लो, इलेक्शन में पता चल जाएगा कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैबिनेट मिशन प्लान यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा और भारत की रूपरेखा लिखेगा आगे की, उससे पहले क्या करवा दिए जाएंगे, इलेक्शन। दो इलेक्शन होंगे बेटा, सुनते रहो। एक होंगे सेंटर के, सेंटर का मतलब सेंटर उस समय की जो केंद्र है उसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली। दिल्ली क्या है, समर कैपिटल, विंटर कैपिटल। समर कैपिटल क्या है, शिमला, याद रखना। इसलिए आपने देखा होगा शिमला डेप्यूटेशन हुआ था बाद में, ये सब बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटर यानी केंद्र के इलेक्शन होंगे, और केंद्र के इलेक्शन कब हुए, 1945 में। ये कैबिनेट मिशन प्लान से पहले है बेटा, क्यों, क्लेमेंट एटली ने कहा पहले तो इलेक्शन करा लो, देख लो कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाद में हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा जो भारत को क्या देगी, संविधान। समझ में आया, तो पहले हुए सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन जो आज की केंद्र है उस तरीके से। एक छोटी सी बात बताता हूं, पिछली साल बिहार पीसीएस ने, उत्तराखंड पीसीएस ने, हरियाणा पीसीएस ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, बहुत आसान। वो क्वेश्चन ये पूछा कि 1945 के जो सेंटर इलेक्शन हुए वो किसके बेसिस पे हुए हैं, 1935 के एक्ट पे या 1919 के एक्ट पे। बताओ भाई, सोच के बताओ आप सब लोग। और मैं YouTube वाले बच्चों से कहूंगा कि आप लोग आंसर देते रहें। जल्दी बताइए क्या हुआ, नहीं, हाँ 1990। क्यों, क्योंकि इसमें 102 सीट थी खाली। हमें पता है 1935 का जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो अंग्रेजी सरकार लेके आई थी, उसमें इस सीट को डबल कर दिया गया था बेटा, ठीक है, 240-245 के करीब।
तो ये जो इलेक्शन हुए सेंट्रल इलेक्शन हुए वो किसके बेसिस पे हुए, 1919 के एक्ट के बेसिस पे, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट इसमें आप अगर मैं थोड़ा सा डेटा आपको कोट करना चाहता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कितनी जीती, कितनी सीट जीती है, कितनी जीती है इंडियन नेशनल कांग्रेस 57, कितनी जीती 57, मुस्लिम लीग 30। 1937 के इलेक्शन में जिस पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा था वो सेंट्रल असेंबली में कितनी सीट जीत गई, नियर टू हाफ, कितनी जीत गई नियर टू हाफ। अब समझ में आया मुस्लिम लीग को कि 1940 में जो लाहौर रेजोल्यूशन इन्होंने लिया था, और लाहौर रेजोल्यूशन, और इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कम्युनलाइजेशन के बेसिस पे लेंगे, यानी सांप्रदायिकता के बेसिस पे लेंगे, वो सांप्रदायिकता कितने ज्यादा फायदा पहुंचा गई मुस्लिम लीग को, समझ में आया। 1937 में इनकी कोई लेवल नहीं था यार, और 1945 के इलेक्शन में देखो कहां से कहां आ गए, समझ में आई आपको बात, क्या फैलाया इन्होंने, सांप्रदायिकता। चले आगे, और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव के असेंबली के इलेक्शन है, लेकिन इसके बेसिस पे मुस्लिम लीग क्या हो गई स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इलेक्शन हुए जनवरी 1946, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये थे प्रोविंशियल इलेक्शन। प्रोविंशियल मतलब उस समय स्टेट जो थे, प्रांत जो थे, उन्हें क्या कहा जाता था, प्रोविंसेस। ठीक, तो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए 1946 में, और प्रोविंशियल इलेक्शन में आप अगर देखें तो टोटल सीट कितनी है, 1585 में आपकी मुस्लिम लीग कितनी जीती है, 425, कांग्रेस कितनी जीती है, 923, कितनी जीती 923। ये प्रोविंशियल इलेक्शन ही है 1946 के, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। ये प्रोविंशियल इलेक्शन ही है 1946 के ऊपर 76 के, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान बनेगा, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो आप देखिए जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां क्या बन गया, पाकिस्तान। मुस्लिम लीग, मुस्लिम मेजोरिटी मतलब मुस्लिम लीग मेजोरिटी में है, मुस्लिम लीग पावर में आ गई। वैसे तो देखा जाए पंजाब में अब अगर आप देखेंगे तो अकाली दल, देखो पंजाब, देखो पंजाब में अकाली दल, यूनियनिस्ट पार्टी सिकंदर हयात खान और सर छोटू राम चौधरी की, है ना, सर छोटू राम चौधरी, आपने हरियाणा में नाम सुना होगा, इन्हीं के स्टूडेंट रहे हैं कौन, चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह के साथ ही रहे हैं महेंद्र सिंह टिकैत, और महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के थे जिनका नाम है राकेश टिकैत, जिन्होंने किसान आंदोलन किया। तो कितनी बड़ी चीज है सर छोटू राम चौधरी। तो सर छोटू राम चौधरी की पार्टी यूनिस्ट पार्टी जो है 20 जीती है, एंड फर्दर अकाली दल यूनिस्ट पार्टी और कांग्रेस मिलकर पंजाब में सरकार बना लेती है। लेकिन इसी दौरान जो मुस्लिम लीग है वो लॉन्च कर देता है पंजाब में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बस आप ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इस तरह से समझ लो कि मूवमेंट जो एक तरह से आपने देखा होगा आंदोलन होते हैं ना, आंदोलन लॉन्च कर दिया पंजाब में किसने, मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस की सरकार गिर गई और बाद में किसकी सरकार, किसने सरकार बना दी, मुस्लिम लीग ने। समझ में आई बात, अब सुनते रहे। 1946 के इलेक्शन हुए तो इसी के बेसिस पे कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा गया बाई क्लेमेंट एटली, जो उस समय के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर थे ना। और आवाज आ रही है तुम लोगों को, ये इतना ब्लर्ड क्यों आ रहा है, ठीक आ रहा है, ब्लड आ रहा है, कहां सही आ रहा है, पक्का ना, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो 1946 के इलेक्शन होते हैं और 1946 के ऊपर कैबिनेट मिशन प्लान भेज दिया जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान में तीन लोग
क्लेमेंट अटली भेजता है जो उसके बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। पहला नाम पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा नाम स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स कौन है? फाइमन कमीशन में जो आए थे और फिर क्रिप्स प्रपोजल लेके आए थे, तब इन्हें पावर नहीं दी गई थी, अब इसे फुल पावर देके भेजा गया है कि भाई जाओ इंडियन से बात करो और देखो उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। और एबी अलेक्जेंडर, ये तीन लोग कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आए। ठीक, अब सुनो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये समझ गए तो ठीक है। अब सुनो इधर बात, ये सबको ही कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें जो मैं बता रहा हूं। कैबिनेट मिशन प्लान में एक बात बताओ, मुस्लिम लीग क्या चाहती है? ये है बंगाल का एरिया, यहां डोमिनेशन में कौन है बेटा? बंगाल के एरिया में मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग पावर में है। 16 वर्दियों की सरकार बनेगी 1946 के इलेक्शन में, ठीक। यहां कौन पंजाब में है? इस पूरे पंजाब यानी पाकिस्तान तक कौन है? मुस्लिम लीग, ठीक है। सिंध का जो प्रांत है कराची, वहां कौन पावर में है? मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग का क्या कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बनना चाहिए, तीन बनना चाहिए? तीन। क्यों बनना चाहिए तीन? एक्चुअली में मुस्लिम लीग का कहना है कि हमें जो प्रांत है, स्टेट है, वो हमें चाहिए ऑटोनॉमस, यानी जिनको स्वतंत्रता हो अपनी, कि वो इवन अगर इंडिया से जाएं तो सिसीड कर दे, पार्टीशन कर पाए। तो स्टेट को ज्यादा पावर देनी चाहिए। कांग्रेस का क्या कहना है? स्टेट को ज्यादा पावर होनी चाहिए या सेंटर को? सेंटर को, सेंटर को ज्यादा पावर होनी चाहिए। तो देखिए, एक डिमांड मुस्लिम लीग की मानी गई, दूसरी डिमांड कांग्रेस की मानी गई। दोनों डिमांड मानी जाएगी, मुस्लिम लीग की भी और कांग्रेस की भी। सुनते रहो, मुस्लिम लीग की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और इधर लिख लेते हैं कांग्रेस। कांग्रेस की डिमांड मानी गई कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी सारे इंडिया के लिए, यानी एक को संविधान सभा पूरे भारत, अखंड भारत, इसमें पाकिस्तान भी है बेटा, पूरे अखंड भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। समझ में आया? लेकिन मुस्लिम लीग की भी बात मानी गई। क्या मुस्लिम लीग की बात थी? ये पेन दिख रहा है ना, ये काला ले ले, काला ले लेते हैं, ब्लैक। मुस्लिम लीग की क्या बात मानी जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा तो एक होगी लेकिन तीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। समझ में आया? कितने कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे? तीन। किस किस के लिए? बंगाल के लिए अपना अलग, पंजाब वाले मुस्लिम मेजोरिटी के लिए अलग, और पूरी इंडिया के लिए अलग। तो तीन ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है, तीन ग्रुप में। ग्रुप ए में कौन से आएंगे? जहां हिंदू मेजोरिटी में है, सुन लो। ग्रुप बी में कौन आएंगे? मुस्लिम मेजोरिटी में है। ग्रुप सी में कौन आएंगे? अब सुनो, आप कहेंगे असम में तो हिंदू मेजोरिटी है, ईस्ट बंगाल में ही तो बस मुस्लिम मेजोरिटी में थे, तो असम को ग्रुप सी में क्यों रखा? क्वेश्चन इज वाई, वाई असम इज इन ग्रुप सी, बताओ भाई। क्यों ऐसा था? वो इसलिए था कि असम जाने के लिए आपको, असम जाने के लिए आपको बंगाल से ही जाना पड़ता, इसलिए असम और बंगाल का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। समझ में आई बेटा सबको बात? चलो ठीक। तो हमने यहां तक देख लिया, इलेक्शन हुए प्रोविंशियल असेंबली के, और यहां पर ये रिजल्ट था जिसमें 923 सीट जीती कांग्रेस, 425 जीती मुस्लिम लीग, और टोटल सीट थी 1585, 1585। और ये जो टोटल सीट बात कर रहा हूं, ये प्रोविंसेस की है, यानी प्रांत जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, ये प्रिंसली स्टेट के नहीं थे, प्रिंसली स्टेट में तो इलेक्शन ही नहीं हुए, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन प्लान जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसको हम एक बार देखते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान और फर्दर बातें करता है कि कैबिनेट मिशन प्लान का कहना है टोटल 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक, कितने? 389। इसमें से 296 मेंबर आएंगे ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश इंडिया मतलब जहां ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते हैं, है ना। आपको भी पता होगा जैसे महेंद्रगढ़ से
आपका पटियाला तक का एरिया, इसमें बीच में बहुत सारी रियासत पड़ती थी, ये ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं आता था, है ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला राजवंश से आते हैं, समझ में आई बात। तो ये सब ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं आता था। जैसे आप देखेंगे मैसूर का एरिया, मैसूर का एरिया वुडियार के अंदर आता था, भोपाल का रीजन वहां राजा भोपाल के अंदर आता था, हैदराबाद या सब जाही डायनेस्टी थी उसके अंदर आता था, जूनागढ़ महावत अली खान के अंदर आता था, समझ में आई बेटा। तो 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट मतलब जहां राज रजवाड़े थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता है, ठीक है। हालत भी इनके रजवाड़ों की इतनी थी, ठीक है। अब ज्यादा मुंह ना खुलवाओ, इधर आओ। 389 में से 296 किसकी है, ब्रिटिश इंडिया की, और 93 मेंबर कौन भेजेंगे, प्रिंसली स्टेट। अब सुनते रहो, ये 296 मेंबर कैसे आएंगे, सुनते रहो सुनते रहो। प्रोविंसेस में जो इलेक्शन हुए हैं ना जनवरी में 1946 में, उसमें कितने मेंबर चुने गए हैं, 1585। ये लोग इसे इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, समझ में आया, यानी दे डू इनडायरेक्ट इलेक्शन टू 296 मेंबर। जैसे आज राज्यसभा का होता है, एमएलए चुनते हैं ना राज्यसभा के एमपी, वैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। पहली बार इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन कब होंगे, 1951-52 में, नहीं प्रोविंसेस में तो डायरेक्ट इलेक्शन ही है बेटा। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है जिसमें मास पार्टिसिपेशन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है जब जो पार्लियामेंट में लोग जाएंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड जाएंगे, वो 1951-52 में होगा, ठीक। तो यहां पर कैसा इलेक्शन है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब 93 मेंबर कहां से जाने हैं, प्रिंसली स्टेट से, कैसे जाएंगे ये, नॉमिनेशन कि रजवाड़ों को अगर इसकी शकल पसंद है तो इसे भेज दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में संविधान बनाने, ठीक है। तो इट इज बाय नॉमिनेशन। अब एक छोटी सी बात बता देता हूं तुम लोगों को मैं, इसे चाहे लिख लो तुम, ठीक है, तुम लोग आगे चलते हैं वरना। अब एक बात सुनो, जो इलेक्शन होंगे ऐसे 296 सीटों में से भी 73 सीट किसको दी जाएगी, मुस्लिम लीग को, और 73 में से 296 खत्म कर देंगे तो कितनी होगी, कितनी होगी, हाँ 220 आठ सीटें आप दे दो अदर पार्टीज को, वो भी तो कुछ पार्टीज हैं, अदर पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी आती है पंजाब हरियाणा से, ठीक है, वहां से फिर आप देखेंगे सोहरावर्दियों ने तो मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ही ली थी। तो यहां पर आठ पार्टी और हटा दो तो 208 सीट दी जाएगी कांग्रेस को, आईएनसी को, ऑल इंडिया कांग्रेस को। तो 96 सीटों में से 73 सीट मुस्लिम लीग की, 208 सीट ऑल इंडिया कांग्रेस की, ठीक। अब ये अनडिवाइडेड इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, अनडिवाइडेड इंडिया में आप देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिसंबर 1946 में स्टार्ट होगी और ये चलेगी 14 अगस्त 1947 तक, क्योंकि 14 अगस्त को इंडिया क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा इंडिया का, क्या हो जाएगा, पार्टीशन, और इंडिया को विभाजन करके यहां की धरती को बांटा जाएगा और किसको दे दिया जाएगा, पाकिस्तान, भिखारियों को, हाँ वो भी कह सकते हो, ठीक। तो आधा लैंड, आधा नहीं मतलब जहां पे भी मुस्लिम लीग जीती थी, यहां पर बंगाल में और इधर जो ईस्ट वेस्ट पंजाब का एरिया था, ईस्ट बंगाल का एरिया था, ये सब दे दिया जाएगा मुस्लिम लीग को। अब सुनो, दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऐसे चलती है, ये अनडिवाइडेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। इसमें एक चीज और बता दे, 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी 10 लाख पॉपुलेशन पर एक आदमी संविधान सभा में जाएगा। यहां तक बात समझ में आई तो आगे चले, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, कुछ
चीज है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी रही थी तो आपने देखा होगा तीन संविधान बने हमारे भारत के। कांग्रेस जाती थी तीन संविधान बने? बिल्कुल नहीं जाती थी। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी, स्पीच थी अगर देखोगे आप नेहरू 10 मई को नेहरू को क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। और 10 जुलाई को नेहरू ने एक स्पीच दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने पता है क्या कहा, ये जो तीन ग्रुपिंग हुई है ना, तीन कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे, ये परमानेंट नहीं है, 10 साल बाद हम इसे चेंज कर देंगे। इस बात से सबसे ज्यादा नाराज कौन होगा, मुस्लिम लीग का भी जो गुरु है, क्या नाम है उसका, जिन्ना। जिन्ना तो ऐसा था कि जैसे सीट के नीचे आग लगा दी हो उसके, समझ में आया, एकदम से खड़ा हुआ जिन्ना, उसने कहा ये क्या है। मतलब जब इतने दिन से हम जिस बात के लिए लड़ रहे हैं, नेहरू कह रहा है कि 10 जुलाई 1946 को कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो तीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करी है, ये 10 साल में हम चेंज कर देंगे। अब नेहरू ने कहा अब ऐसा नहीं होगा, लड़ के पाकिस्तान लेंगे, अब हमें नहीं चाहिए, इस इंडिया में रहना ही नहीं है हमें, ना हमें तीन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान, लड़ के लेंगे पाकिस्तान। बंगाल में सोहरावर्दियों की गवर्नमेंट थी और सोहरावर्दी जो मुस्लिम लीग से आते थे, उन्होंने पूरा सर्कुलर निकाल दिया कि कोई भी दुकान नहीं खोलेगा, ऐसे प्रोटेस्ट ऑफ जिन्ना। जिन्ना ने कॉल करी है कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, कोई भी अपनी दुकान नहीं खोलेगा। कितने हिंदू दुकानदारों को यह पता नहीं था, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप तो होता नहीं था, ऑल इंडिया रेडियो भी हर कोई नहीं सुनता था, समझ में आया बात। ये बात दुकानदार को नहीं पता थी, उन्होंने दुकान खोली, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े और सोहरावर्दियों की गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट दिया मुस्लिम्स जो आपके जो दंगे करने वाले थे। और इसी चीज को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। क्या कहते हैं, कलकत्ता किलिंग्स एंड डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लाश लेटी है और जो गिद्ध है, गिद्ध ये इंतजार कर रहे हैं कि कब लोग मरेंगे तो हम उनकी बॉडी खाएंगे, ठीक है। पूरा सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई पूरी इंडिया में, और सिविल वॉर के कारण आप देखिए माउंटबेटन 3 जुलाई को एक प्लान देते हैं जिसका नाम है माउंटबेटन प्लान, और वो कहते हैं कि इंडिया ऐसे नहीं रह सकता, इंडिया का क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन इन टू कंट्रीज, एक का नाम पाकिस्तान, दूसरे का नाम इंडिया, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, डायरेक्ट किलिंग्स हुई जो बहुत ही ज्यादा ऑपरेसिव थी। फर्दर जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और सोहरावर्दियों की गवर्नमेंट ने मास किलिंग करी कलकत्ता में, तो कांग्रेस गए, अच्छा माउंटबेटन आ चुका था, माउंटबेटन क्या है, गवर्नर जनरल, इस समय का गवर्नर जनरल है, आज आप प्रेसिडेंट से इक्वेट कर सकते हैं बेटा, ठीक। माउंटबेटन आ चुका था, माउंटबेटन के पास नेहरू गए और नेहरू ने कहा कि आप सेंटर में कोई गवर्नमेंट नहीं है, सेंटर में गवर्नमेंट नहीं है तो हम आर्टिकल 356 नहीं लगा सकते। 356 आर्टिकल का मतलब स्टेट इमरजेंसी, कि स्टेट की पावर कौन ले लेगा, सेंटर गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा हम इमरजेंसी नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्या बनाएंगे, अंतरिम गवर्नमेंट। पहले ही अंतरिम गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं कर रहे थे, उसके पीछे रीजन है, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में देखेंगे कभी। लेकिन जैसे ही डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और मास किलिंग हुई, नेहरू गए उसके पास और कहा कि हम अंतरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे। जिन्ना भी मुस्लिम लीग के साथ भागे भागे चलाया, उसने को पता था कि अंतरिम गवर्नमेंट अगर कांग्रेस ने बना दी, ये सब जेल में डाल देंगे, हमें ईडी लगा देंगे हमारे ऊपर, सब जेल में डाल देंगे, सब जेल में डाल देंगे। तो साथ के साथ मुस्लिम लीग ने भी इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली, लेकिन जिन्ना ने कोई भी पोर्टफोलियो नहीं लिया, कोई भी मिनिस्ट्री नहीं ली। क्वेश्चन इज वाई, क्यों उसने कोई भी पोर्टफोलियो या फिर कोई मिनिस्ट्री नहीं ली, इंटरिम गवर्नमेंट बन गए लेकिन इसने कोई मिनिस्ट्री नहीं ली जिन्ना ने। जिन्ना का कहना था मैं नेहरू के नीचे काम नहीं करूंगा, हु द हेल इज नेहरू, समझ में आया।
हमारे लिए तो वो पंडित नेहरू है, जिन्ना तो कुछ नहीं समझता था, जिन्ना खुद को कहता था कायदे आजम द ग्रेट लीडर, है ना। खैर गांधी जी ने भी एक बार कायदे आजम कहा जिन्ना को, ठीक। तो मुस्लिम लीग ने भी इंतरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ओपन हुई 9 दिसंबर 1946 को, और मुस्लिम लीग ने ओपनली बॉयकॉट करा कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारी जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है। जिन्ना नेहरू तो अभी मना कर गया, नेहरू ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, 10 साल बाद चेंज कर देंगे, तो हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बनेंगे। माउंटबेटन ने प्लान दिया और जिसे 3 जून प्लान कहते हैं, और इसके ऊपर इंडिया का पार्टीशन हो गया। आपको सबको पता होगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग करा गया इंडिया से, और 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट की रात को हमें आजादी मिली। क्वेश्चन इज वाई मिडनाइट, 15 अगस्त की मिडनाइट क्यों? मिडनाइट को एक भाषण देते हैं नेहरू, द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, बड़ा फेमस भाषण है, सुना होगा कभी, लेक्चर देते हैं, क्योंकि इस समय नेहरू का स्टेचर बहुत ज्यादा था, प्रेसिडेंट थे आजादी के समय। कौन थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के? जेबी कृपलानी, उनकी वाइफ का नाम था सुचेता कृपलानी, जो फर्स्ट मिनिस्टर भी बनी थी किसकी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। तो ये बताओ मिडनाइट को क्यों दिया गया भाषण 15 अगस्त? सुबह 4 बजे तक वेट नहीं होता था क्या, या 10 बजे दे देते? क्यों मिडनाइट? वो इसलिए कि ज्योतिषों ने कहा कि 15 अगस्त की डेट ऑस्पिशियस नहीं है, इसे चेंज किया जाए, एक दिन बढ़ाया जाए या कम किया जाए। माउंटबेटन का कहना था यार ये नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया है 1947 का, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, एक्ट का मतलब कानून पास कर दिया है, और उसमें डेट क्या लिख दी है, हम ये डेट चेंज नहीं कर सकते। तो एक वाया मीडिया निकाला गया कि हमारे यहां जो डेट चेंज होती है वो मॉर्निंग के 4 बजे होती है, तो इन्होंने कहा कि हम मॉर्निंग के 4 बजे नहीं रुकेंगे, हम 14 अगस्त के जैसे ही मिडनाइट होगा हम अपना इंडिपेंडेंट डे मनाएंगे। इसमें 15 अगस्त की रात को हमारा, 14 अगस्त की रात जैसे ही 15 अगस्त आता है उस दिन हम अपना इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। समझ में आई? चलो आगे बाद में देखेंगे ये सब आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाएगा। पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, और पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए, पार्टीशन ऑफ इंडिया तो करार दे दिया गया, लेकिन बाउंड्री, इंडिया और पाकिस्तान कैसे डिवाइड होंगे, उसके लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया अंडर द रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ कभी इंडिया नहीं आया, लॉयर था, कोई कार्टोग्राफर नहीं था, और इस लॉयर ने इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया। आप अगर अमृतसर और लाहौर देखेंगे तो अमृतसर और लाहौर का कल्चर लाएंगे सब सेम है, एक छोटी सी लाइन है, लाइन की इधर अमृतसर है, लाइन के उधर बागा बॉर्डर के उधर अटारी, इधर है बागा बॉर्डर के उधर लाहौर। समझ में आई बात? चलिए अब आगे चलते हैं। माउंटबेटन प्लान बता चुका हूं मैं, इलेक्शन भी बता चुका हूं, अब आ जाते हैं हमने संविधान सभा में। संविधान सभा में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। दिसंबर 1946 में पहली बार संविधान सभा बनी थी, दिसंबर 9, 1946। अच्छा, पहला प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उम्र में ये सबसे ज्यादा थे, तो एक फ्रेंच कन्वेंशन होता है कि जो भी एज में सबसे ज्यादा है उसे अंतरिम प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो ये 1946 तक प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद दिसंबर, 2 दिन बाद यानी दिसंबर 11, 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द प्रेसिडेंट। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसने इलेक्ट करे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने। समझ में आई आपको बात? राजेंद्र प्रसाद के पहले इलेक्शन 1952 के बाद होते हैं, जहां पर जो हमारे एमपी चुने गए हैं और एमएलए चुने गए हैं वो 1952 के बाद उन्हें इलेक्ट करेंगे। सबसे पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चुना है। समझ में आई बात आपको? चलिए
लिखा भी है, फर्स्ट मीटिंग हुई, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। अच्छा, कुछ चीजें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको जाननी है और मैं चाहूंगा कि आप जाने उसे, जब पहले प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन यूपीएससी पूछे तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा कहना है, ठीक है, क्योंकि वो इंतरिम थे। फर्दर कुछ और चीजें याद रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के उस समय के, तो दो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया ने चुने थे, पहला नाम है एससी मुखर्जी, दूसरा नाम है वीटी कृष्णाचारी, ठीक है, वीटी कृष्णाचारी, तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे। एडवाइजर कौन थे? सर बीएन राव। एडवाइजर का क्या मतलब होता है? एडवाइजर का क्या मतलब होता है? देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई, सुन लो क्या होता है, एडवाइजर सुना देता हूं। जब कॉन्स्टिट्यूएशन असेंबली में यानी संविधान सभा में डिबेट होती थी तो सारी डिबेट को एक जगह लिखना है और उन डिबेट्स के बाद एक ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा, यानी सबकी डिबेट हुई और डिबेट के बाद एक हम कॉमन मोड ऑफ अप्रेंडी पे आएंगे, है ना। तो ये सारा काम करना, यानी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट है उसे डबटेल करके एक प्रॉपर डिटेल वर्क बनाना, इसका काम किसने करा है? बीएन राव ने। इसलिए इन्हें लीगल एडवाइजर कहा गया, वेरी फेमस, बहुत मेहनत करी है उन्होंने, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? चीफ ड्राफ्ट्समैन का मतलब समझते हैं, जिसने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कौन थे? बीआर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट तैयार करा है, पहला ड्राफ्ट नहीं तैयार करा है, आप समझिए इस बात को। कौन थे फिर? बताओ भाई। अरे एस एन मुखर्जी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने लास्ट ड्राफ्ट जो था, फाइनल ड्राफ्ट, वो प्रिपेयर करा है। पहला ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर करा है? एस एन मुखर्जी ने। आप इसे याद रखिए इन सब चीजों को, ठीक है। फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये पांच स्टेज में बनी, मैं आपको ये भी बता देता हूं, फाइव स्टेजेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान प्रिपेयर करा। पहली स्टेज जिसे फर्स्ट स्टेज कहते हैं, ये थी कमिटी स्टेज। क्या कौन सी थी? कमिटी स्टेज। कमिटी स्टेज में क्या होता, बहुत सारी कमिटी थी, सबसे मेजर कमिटी जो थी वो 20 कमिटी थी। डेटा कमिटी को लेकर पब्लिक नहीं किया गया, तो एग्जैक्ट कमिटी कोई नहीं बता सकता, समझ में आया, ये सीक्रेट था, टॉप सीक्रेट था। तो काफी कमिटी बनी थी, जब इसमें सबसे फेमस 20 कमिटी थी, जो 20 मेजर कमिटी थी, जैसे यूनियन गवर्नमेंट की क्या पावर होगी, ठीक है। फर्दर यूनियन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, इन सब कमिटी के हेड थे डॉक्टर ये आपका नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आपने सुना होगा कि ये फर्दर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर होगी, इसके जो हेड थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल के भाई, समझ में आई बात। फर्दर रूल्स क्या होंगे, रूल्स कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टीयर कैसे करा जाएगा, आगे कैसे जाएगा संविधान, तो उसके लिए उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पहली जो थी वो कमिटी स्टेज थी, बहुत सारी कमिटी है, कमिटी इसके लिए कि एजुकेशन कैसे होगी भारत की, उसके लिए भी तो कमिटी बनेगी, तो फर्स्ट इज कमिटी स्टेज। दूसरी स्टेज जो है वो ये है, ये कमिटी की जितनी भी रिपोर्ट आई है इन सबको दिया जाएगा किसे, सर बीएन राव को, सर बीएन राव, और इस पे डिबेट होगी, और डिबेट होकर सबको डबटेल कौन करेगा, बीएन राव, यानी एक जगह इंटीग्रेट करना, बहुत बड़ा काम किया है भाई इन्होंने, छोटी बात नहीं है, इसके लिए मास्टरी होनी चाहिए, तो डबटेल इन्होंने करा। फर्दर थर्ड स्टेज में डिटेल ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है, और डिटेल ड्राफ्ट का मतलब पहला ड्राफ्ट जो
प्रिपेयर होगा। कौन करेगा पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर? इन सब रिपोर्ट्स को एक ड्राफ्ट यानी पहली प्रिंटिंग करी जाएगी, और उस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने वाले कौन थे? एसएन मुखर्जी। एसएन मुखर्जी वो काम करेंगे, ठीक। फाइनल ड्राफ्ट कौन करेगा? बीआर अंबेडकर। तो ये ड्राफ्टिंग स्टेज कहते हैं इसे। ड्राफ्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और ड्राफ्टिंग स्टेज के बाद इसे ओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए। आज भी देखते हैं आप, कोई भी लॉ बनता है तो पीआरएस पे वो पहली आ जाता है वो बिल, और न्यूज़पेपर उसे डिस्कस करते हैं उस लॉ को, जो बिल को, और बताते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। देखा है ना आपने, पीआरएस जाएंगे तो उस पे सारे बिल्स आ जाते हैं, और उसके बाद न्यूज़पेपर अलग अलग एनालिसिस उसकी करते हैं। राज्यसभा लोकसभा डीबी देखा होगा तो आपने देखा होगा डिबेट होती है उस बिल पर, ठीक। तो फोर्थ स्टेज में इसे पब्लिक ओपिनियन के लिए दे दिया गया, ठीक है एवरीवन। पब्लिक ओपिनियन के लिए मैं बता दूं आपको, 7000 से ज्यादा पब्लिक ओपिनियन आए, और अमेंडमेंट यानी संशोधन बताए गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए। कितने? 7000 से ज्यादा। माने कितने गए? 2000 से ज्यादा, ठीक है। 7000 के करीब अमेंडमेंट बताए गए, और 2000 नहीं 2400 के करीब माने गए, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा याद नहीं करना आपको, ग्रुप डी और ग्रुप सी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ग्रुप डी और ग्रुप सी में भी ये सब नहीं पूछा जाता, और पूछा ये जाएगा कि इतने करीब करीब इतने पूछे अमेंडमेंट आए और इतने माने गए, ठीक है एवरीवन। आप तो वैसे भी ग्रुप ए ग्रुप बी की तैयारी करते हैं। चले आगे, नेक्स्ट लास्ट स्टेज जो था वो था फिफ्थ स्टेज, जिसमें हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, और इसका क्या हो गया? एडप्टेशन, विच इज एडप्शन, यानी हमने स्वीकार कर लिया। और कब स्वीकार करा इसे? कब करा? 26 नवंबर 1949, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में दिसंबर 9 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना चालू हुआ, और कब बन के तैयार हुआ? ठीक है, 2 साल 11 महीने 17 या 18 दिन। समझ में आया? इतना डिटेल याद नहीं करना, वैसी शो ऑफ है। चले आगे, तो 26 नवंबर 1949 में हमने अपने आप को क्या दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे इनेक्ट किया। क्या किया? इनेक्ट। इनेक्ट, इनेक्शन की डेट, कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्शन की डेट 26 नवंबर 1949 है, इसलिए 2015 से हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाते हैं। सुना है ना आपने? लेकिन आप कहेंगे आज 26 जनवरी है और रिपब्लिक डे है, आज क्यों हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं? द आंसर इज कि आपको एक चीज याद होगी कि 1929 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन। लाहौर रावी नदी के तट पे है, और लाहौर सेशन में ये कहा गया था हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज लेके आएंगे, हमें ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं रहना। और 1929 के लाहौर रेजोल्यूशन को, लाहौर सेशन के जो रेजोल्यूशन हुआ उसे पूर्ण क्रांति माना गया, और उसके जस्ट अगले महीने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के पास सारे कांग्रेस वाले इकट्ठे हुए और जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली, जो रावी की शपथ थी कि हम भारत को क्या देंगे? पूर्ण स्वराज। इसलिए 26 नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये नॉस्टैल्जिक डेट थी हमारे लिए। अच्छा, 1930 में 26 जनवरी क्यों चुना गया? क्योंकि ये उस जनवरी की लास्ट वीकेंड का लास्ट संडे पड़ता था, तो हर कोई फ्री था, इसलिए 26 जनवरी का डेट लिया गया। लेकिन जब हमने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया तो दिस 26 जनवरी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी कारण हमने 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर भी हमने 2 महीना का वेट किया, और हमने 26 जनवरी 1950 को हम कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ गए। लेकिन समझिए इस बात को, एक छोटी सी और बात बता देता हूं। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया,
वो बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कुछ चीजें तो हमें लागू करनी बहुत जरूरी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ चुके थे, समझ में आया। इसलिए कुछ प्रोविजन हमने 26 नवंबर 1949 को मान लिए और कुछ प्रोविजंस के लिए हमने 26 जनवरी 1950 तक के लिए वेट किया। अच्छा, कौन कौन से प्रोविजन यहां आए थे? तो आप 394 आर्टिकल हमारे संविधान का ये बात करता है, वो कहता है आर्टिकल 5 से लेकर 9 जो सिटीजन सबके हैं, आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन का है, ये सब कब आ गया? एट वंस, यानी 26 नवंबर 1949। बाकी सारा बल्क कॉन्स्टिट्यूशन कब आएगा? 26 जनवरी को। इसलिए ये इलेक्टमेंट डेट है और ये कमेंसमेंट डेट है। तो अगर पेपर में इलेक्टमेंट डेट आए तो आपको क्या बताना है? 26 नवंबर। कमेंसमेंट डेट आए तो क्या बताना है? 26 जनवरी। समझ में आई बात एवरीवन? अब हमारे पास संविधान सभा, जो हमारी प्यारी संविधान सभा थी, उसने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और भी बहुत सारी चीजें दी। क्या क्या दी सुनते रहो। जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या क्या दिया? संविधान दिया, सबसे पहला संविधान। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या दिया हमें? पहला प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही चुना। और क्या दिया हमें? हमारा नेशनल एंथम 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जन गण मन अधिनायक जय है। तो ये कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही, उन्होंने ही कहा ये नेशनल एंथम होगा। ये कोई लॉ के बिहाफ पे नहीं आया है, किसके बिहाफ पर आया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। फर्दर नेशनल सॉन्ग क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अनंत मठ, एक बड़ा बहुत फेमस नोवेल लिखा गया था, उपन्यास लिखा गया था बंकिम चंद चट्टोपाध्याय द्वारा। उसमें बताया गया था कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत जब 1757 बैटल ऑफ प्लासी में जीत के आई तो कैसे उन्होंने हमें बर्बाद किया, और बंगाल के फेमाइन जो हुए थे, भुखमरी जो हुई थी 1770s की, उसका वर्णन आनंद मठ करती है। एक आपने मॉडर्न हिस्ट्री में एक चीज सुनी होगी, सन्यासी रिवोल्ट, उसका वर्णन भी आनंद मठ करती है। बंगाली में लिखा गया था, बाद में से संस्कृत ट्रांसलेशन करा गया। तो क्या है? वंदे मातरम। और यहीं से लिया गया कि जो हमारा भारत है वो हमारी मां है और हम उस मां की वंदना करते हैं। समझ में आई बात? चलिए, इवन भारत का पहला झंडा पिंगाली वेंकैया ने जो दिया था, जो मद्रास से आते थे, उस समय आंध्र प्रदेश एरिया भी जो था वो मद्रास का पार्ट था, वो भारत का झंडा भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमें दिया। और उसमें बाद में क्या जोड़ दिया गया? अशोक चक्र, जिसमें 24 स्पोक्स हैं, 24 त्रिलियां हैं, जो हमें 24 आर ड्यूटी ऑफ मैन बताती है कि हमारा 24 घंटे में हमारे क्या कर्म है, हमें क्या क्या करना है, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने दिया भाई, बताइए आप सब लोग। अच्छा, एक चीज और, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मॉर्निंग में नहीं आफ्टरनून में काम करती थी, क्योंकि आपको पता है किसी भी देश को चलाने के लिए रेगुलर लॉ यानी कॉमन लॉ की भी जरूरत है। रेगुलर कहिए, कॉमन मत कहिए, कॉमन गलत हो जाएगा। कॉमन लॉ का मतलब होता है जो जज लॉ बनाते हैं उन्हें कॉमन लॉ कहते हैं, हम रेगुलर लॉ की बात करते हैं, यानी जो रेगुलर कानून है। जैसे हेलमेट नहीं लगाया तो आप पे जुर्माना होगा, मोटर व्हीकल एक्ट है ना, ये तो कॉमन लॉ, रेगुलर लॉ है। तो रेगुलर लॉ बनाने के लिए भी प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो मॉर्निंग में प्रोविजनम का मतलब अस्थाई संसद की तरह काम करती थी। और उसके हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होते थे, कौन होते थे? पहले स्पीकर ऑफ इंडिया, क्या नाम था उसका? जीवी मवलांकर, गणेश वासुदेव मवलांकर।
समझ में आया। और आफ्टरनून में संविधान सभा कैसे काम करती थी, संविधान बनाने का, और उसके कौन थे प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वंडरफुल। चले आगे बेटा। अच्छा कुछ चीजें और बता दूं आपको इंटरेस्टिंग, कि जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो कोई प्रिंटिंग प्रेस से नहीं आया था, उसकी पूरी कैलीग्राफी हुई थी, उसे लिखकर बनाया गया था, और लिखित कैसा था वो इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में आया था उसके बाद हिंदी ट्रांसलेशन होगा बाद में। तो इसकी कॉलीग्राफी करने वाले पता है कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने कॉलीग्राफी करी हमारे संविधान की। और नेहरू ने इनसे पूछा कि कितने पैसे चाहिए उन्हें, तो इन्होंने कहा कुछ भी नहीं। हाउ वंडरफुल अ मैन इज। तो प्रेम बिहारी रायजादा ने हमारे संविधान को कॉलीग्राफी करी, उसे लिखा। फर्दर एक दो चीजें और, आपको पता होगा कि हमारा जो पहला संविधान था उसमें कॉलीग्राफी के साथ साथ हर जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर है, जैसे फंडामेंटल राइट का एक चैप्टर है, फंडामेंटल राइट से पहले किसका चैप्टर है, सिटीजनशिप का, और सिटीजनशिप से पहले किसका चैप्टर है, यूनियन और उसकी टेरिटरी का, इस सब पे हिस्टोरिकल चित्र बनाए गए। उन हिस्टोरिकल चित्र बनाने का काम किसने करा, पेंटर्स ऑफ शांति निकेतन, और इसे हेड करते थे आचार्य नंदलाल बोस। ठीक है एवरीवन, आगे चले। चलिए अब हमारे संविधान को लेकर कुछ चीजें और हैं, और कुछ चीजें कही भी जाती है कि हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे संविधान के ऊपर काफी लाचन लगाते हैं, उन चीजों को देखते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। समझ में आया, कि अगर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और आपसे अगर मान लो कुछ कहे, और हमारे भारत देश के बारे में, हमारे संविधान के बारे में कुछ कहे, तो हमें जवाब देना आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आप समझिए इस बात को। सबसे पहले जो लाचन लगाने वाले लोग थे उनका कुछ लोगों का कहना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अन इंडियन है, और ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमने दूसरी कंट्रीज से ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरो करा है। हमने अमेरिका में देखे, यूएसए में देखे बिल ऑफ राइट्स, तो हम फंडामेंटल राइट ले आए। हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में देखे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हम डीपीएसपी ले आए। तो ये बोरोड है, ये मांगा हुआ है। आपको उन्हें यह जवाब देना है कि दुनिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है जो मांगा हुआ ना हो। डेमोक्रेसी पे किसी का पेटेंट है क्या, आपकी बोलने की आजादी पे किसी का पेटेंट है क्या, हमारी सोचने की आजादी पर किसी का पेटेंट है क्या? तो कोई आदमी कैसे कह सकता है कि लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी पर किसी का पेटेंट है? और फर्दर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 तक तैयार हुआ, तो तब तक सारे जो प्रिंसिपल थे वो सब सेटल्ड हो चुके थे, तो हम कहीं ना कहीं से तो इन्फ्लुएंस लेते ना, लेकिन हमने बस इन्फ्लुएंस लिया है उनसे, एक भी लाइन उनकी हमने कॉपी नहीं करी, उसे सूट करा। इंडिया का जो समाज है उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हर कोई गन रख सकता है, गन रखने का संविधानिक अधिकार है, हमारे यहां गन कोई नहीं रख सकता, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, ये कोई संविधानिक अधिकार नहीं है हमारा। तो आप समझिए, हमने बिल ऑफ राइट्स कॉपी करा हो और उसे मूल भौतिक अधिकार में डाल दिया हो, लेकिन उसकी बस कंसेप्ट कॉपी करा, उसकी आत्मा कॉपी नहीं करी है, आत्मा वो इंडियन है। समझ में आया। कुछ लोग ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आम आदमी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ सकता, जो कि मुझे भी लगता है कुछ हद तक ठीक है। आप अगर अमेरिका जाएंगे, यूएस जाएंगे, तो उनके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल है बेटा। पहला आर्टिकल कहता है कि जो लॉ बनाने की पावर है वो यूएस कांग्रेस पे है, उसी पहला ही आर्टिकल दूसरा कहता है जो इंप्लीमेंट करने की पावर है वो यूएस एग्जीक्यूटिव पर है, प्रेजिडेंट पर है, और जो एजुकेट करने की पावर है, यानी एजुकेट मतलब जुडिशरी की पावर है, वो वहां पर फेडरल कोर्ट को है। पहला आर्टिकल ये है, 7 आर्टिकल में सारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है, और कॉम्प्लिकेटेड तो इतने हैं कि आपको उनके लिए क्लास की जरूरत पड़ती है,
और क्लास के बाद भी कितने बच्चों को नहीं समझ में आएगा, कितनों को नहीं आता होगा। लॉ करके आते हैं बच्चे, उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आता, कितनी बार देखा होगा आपने कि कितने लॉ पढ़ के भी आए हैं लेकिन उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा जानकारी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, इसका आंसर ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो मोस्टली लॉयर्स ने बनाया, और लॉयर्स लॉजिकल लैंग्वेज का यूज करते हैं, और जब हम लॉजिकल लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उसमें लैटिन का भी यूज होता है, क्योंकि लैटिन को, जैसे हम संस्कृत को कहते हैं ना, संस्कृत को हम कहते हैं ना लॉजिकल भाषा है, वैसी लैटिन भी एक लॉजिकल भाषा है। इसलिए आपने देखा होगा लॉयर जब लैटिन भाषा का यूज करते हैं या फिर जो वर्ड्स है उसे बड़ा लॉजिकल बनाते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें लॉजिक की गलती है कि लॉजिकल बनाई गई इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बना। ठीक है, दूसरी चीज ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, 395 आर्टिकल, और उसमें भी अब संशोधन हो के 400 पार है, वो 450 पार हो गए हैं। ठीक है, तो इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या जरूरत थी। पहली बात, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल हैं, तो वो यूएस के सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है। जितने भी स्टेट हैं, 50 स्टेट करीब यूएसए में स्टेट है, उन सबका, सारी स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। कैलिफोर्निया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लुइजियाना का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, मोंटाना का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, टेक्सास का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी पूरी इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, 135 करोड़ भारतीयों का एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हर किसी की आत्मा समाई हुई है। तो फिर तो बड़ा बनेगा ही। फिर यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कभी बात नहीं करता ब्यूरोक्रेसी की, हमारे यहां ब्यूरोक्रेसी तक के आर्टिकल है, इलेक्शन 324 आर्टिकल है, 324 आर्टिकल इलेक्शन कमीशन वाला, इलेक्शन के भी आर्टिकल है, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के आर्टिकल है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी, उसके आर्टिकल्स है, आदान प्रदान कैसे होगा पैसा का, उसके लिए भी आर्टिकल है। तो वो तो अपने आप ही बड़ा बन जाएगा। ठीक, फर्दर कुछ लोग कहते हैं अनगांधियन है, अनगांधियन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कोई भी बात गांधी की नहीं मानी गई। देखो भाई, नेशनलिस्ट लीडर जितने थे उन्हें यह समझ में आ गया था कि गांधी जी जो है वो जो बात करते हैं वो आज की नहीं है, उस समय की बात नहीं है, वो आज से 100 साल बाद की बात कर रहे हैं। अब जैसे गांधी जी ने एक कंसेप्ट दिया, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं नॉलेज के लिए, ओशियनिक सर्कल हाइपोथेसिस। ओशियनिक सर्कल हाइपोथेसिस का मैं गांधी जी का कहना था कि पावर जो आप लोगों ने संविधान में बनाई है, और मोस्टली दुनिया में जो पावर जैसे चलती है वो ऐसे चलती है टॉप टू बॉटम, कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर नीचे की पंचायत और म्युनिसिपैलिटी है। गांधी जी का कहना था ऐसा मत करो, गांव से पॉलिटिक्स स्टार्ट करो, गांव पावरफुल बनेंगे, गांव में कॉटेज इंडस्ट्रीज आएंगी, तो गांव से धीरे धीरे विकास आगे की तरफ बढ़ेगा, और इसमें कोई ऊंच नीच का कंसेप्ट नहीं रहेगा। लेकिन डॉक्टर बी आर अंबेडकर का कहना था गांव से हम पॉलिटिक्स स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, गांव तो डेन है कास्टिज्म का, जातिवाद का, गांव तो डेन है हिंदू मुस्लिम राइवलरी का, हिंदू मुस्लिम इतना होता है, अगर गांव से पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे तो जो हमारी वुमेन्स है उनका तो कभी उत्थान ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमेशा से सब्जुगेटेड है। इसलिए गांधी की जो बात है कि हम गांव से स्टार्ट करते हैं ये सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अनगांधियन है। गांधी जी की बात मानी गई जब वो कहते थे प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, गांधी जी की बात मानी गई जब वो कहते थे प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, गांधी जी की बात मानी गई 1990s में जब उन्होंने म्युनिसिपैलिटी और पंचायत की बात करी, तो बात मानी गई लेकिन बात मानी गई कुछ समझ में आया, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने बात मान ली और लिकर को बैन कर दिया, गांधियन प्रिंसिपल। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि गांधी जी लिकर के, दारू के इतने खिलाफ क्यों थे। हाँ, गांधी जी का कहना था ये दारू पी के वायलेंस करते हैं लोग, इसलिए मैं अल्कोहल के खिलाफ हूं, जितना भी इंटॉक्सिकेशन है उन सब के खिलाफ, और कुछ हद तक ठीक भी है ये बात। लेकिन वही बात है, बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, आदमी इलीगल काम करने लगता है, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है बिहार में। ठीक,
और क्या इसमें और क्या क्रिटिसिज्म, कितने लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हिंदू डोमिनेटेड थी, कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी थी, ये भी सरासर गलत है। कांग्रेस ने हमेशा मेंटेन करा और कांग्रेस एक वाइड अम्ब्रेला थी, इसमें हिंदू महासभा के भी लोग थे, सरदार हुकुम सिंह, बलदेव सिंह सिख रिप्रेजेंटेशन से आते थे, हंसल मेहता जैसे लोग पारसी कम्युनिटी को डिनोट करते थे, कितनी वुमेन्स थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो एक जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन करती थी, मुस्लिम को मोहम्मद सदुल्लाह वो रिप्रेजेंट करते थे, एंग्लो इंडियन को फ्रैंक एंथनी रिप्रेजेंट करते थे, तो एंग्लो इंडियन यानी वो विदेशी जो इंडिया में रहते हैं उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं, क्रिश्चियन को जोसेफ डिसूजा रिप्रेजेंट करते थे, पार्टी को एचपी मोदी रिप्रेजेंट करते थे, तो ऐसा कहना कि वो हिंदू डोमिनेटेड था हमारा संविधान सभा, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, इसी पे छोटी सी कहानी बताऊं, एक बार वेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगा, वेबल प्लान आया और वेबल ने ये कहा, सुन लो बस कहानी आ गई तो बस सुना दे रहे हैं, ये मत कहना ये कहां से आ गया इसमें। एक बार वेबल आए, वेबल देखा होगा कमांडेंट इन चीफ थे, बहुत बड़े आदमी है, और वेबल को गवर्नर जनरल बनाया गया था इंडिया में। ये 1945 में एक प्लान लेके आए थे जिसका नाम था वेबल प्लान। वेबल प्लान ने कहा कि 40% जो सीट है किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एंड इंटरिम गवर्नमेंट की, और 40% सीट हम देंगे कांग्रेस को, 40% सीट देंगे हम हिंदू को, 40% सीट देंगे हम मुस्लिम को, 20% सीट देंगे हम अदर क्लासेस को, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास भी इसी में रखी गई। डिप्रेस्ड क्लास को कौन करता था रिप्रेजेंट, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। वेबल ने ये बात कही, वेबल ने सबको अपनी समर कैपिटल में बुलाया शिमला, जिसे कहते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, शिमला में इन्हें बुलाया गया, मुस्लिम लीग भी गई, हिंदू भी, मतलब जो कांग्रेस भी गई और डिप्रेस्ड क्लास के लोग भी गए। अच्छा, कांग्रेस इनिशियली वेबल प्लान नहीं मान रही थी, लेकिन वेबल बड़े आदमी थे, गवर्नर जनरल थे, तो इनहेरेंटली सबने ये बात मान ली कि 40% हिंदू होंगे, 40% मुस्लिम होंगे और 20% अदर डिप्रेस्ड क्लास होगी। जब शिमला में ये बुलाया गया तो कांग्रेस ने, अच्छा 7 मेंबर वैसे बता देते, 7 मेंबर हिंदुओं की तरफ से भेजने थे, 7 मेंबर मुस्लिम्स की तरफ से भेजने थे, और बाकी 2 या 3 मेंबर डिप्रेस्ड क्लासेस से आने थे और अदर क्लासेस से, जिसमें सिख भी आते हैं और भी लोग आते थे। अब कांग्रेस ने पहला नाम जो सुनाया वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का था, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, आपको पता होगा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, जो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे 1945 में, मुस्लिम लीग से जिन्ना खड़े हुए और जिन्ना ने कहा कि ये आदमी जो कांग्रेस है वो गलती से भी किसी मुस्लिम को खड़ा ना करे इंतरिम गवर्नमेंट में, क्योंकि मुस्लिम को रिप्रेजेंट मुस्लिम लीग करती है। कांग्रेस ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुस्लिम्स को जो है रिप्रेजेंट वो कांग्रेस भी करती है, और कांग्रेस ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, खाली मुस्लिम्स और हिंदू को नहीं करती। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने एक भाषण दिया और उसमें बड़ा फेमस रहा वो भाषण, देख लेना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का शिमला कॉन्फ्रेंस में। इसके खिलाफ मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से कि ये वो मुस्लिम जो दल बदलू है और जो मुस्लिम है भी नहीं, उन्हें मुस्लिम लीग के बारे में और मुस्लिम्स के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद खड़े हुए और उन्होंने कहा कौन मुस्लिम है कौन मुस्लिम नहीं है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरा जन्म तो मक्का में हुआ है और जो जिन्ना फैमिली है वो खुद हिंदू कन्वर्टेड है, तो कोई मुझे मुस्लिम्स का ज्ञान ना दे, हमें भी पता है सांप्रदायिकता के ऊपर कैसे पॉलिटिक्स की जाती है, समझ में आया, तो आप इस सांप्रदायिकता के बेसिस पे पॉलिटिक्स ना करें। जो
कांग्रेस, और कांग्रेस में हर चीज आती थी उस समय, जो बीजेपी थी वो भी कांग्रेस का ही पार्टी, बीजेपी तो थी नहीं, हिंदू महासभा थी, वो सब भी कांग्रेस के पार्टी आते थे। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी। आजादी के बाद बहुत सारे लीडर्स इसमें से निकलेंगे, जैसे आपने सुना होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकल जाएंगे, वो कांग्रेस में ही थे। 1925 में इवन केशव बलिराम हेजगेवार जब आरएसएस बनाते हैं वो कांग्रेस के ही तो होते हैं, कांग्रेस के एक्स कांग्रेसमैन रहते हैं वो, ठीक है। तो कांग्रेस बड़ी पार्टी होती थी, आज भी कांग्रेस नहीं, भारत जोड़ो वाली अलग कांग्रेस थी वो, ठीक है। तो वेवल प्लान था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमने देखा, और हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे लिए क्या किया। आपके लिए होमवर्क है, आपको आपको इंडियन नेशनल कैलेंडर के बारे में पढ़ के आना है, और ये देख के लाना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने दिया या इंडियन नेशनल कैलेंडर जो सख संबद्ध है वो बाद में अडॉप्ट किया गया, ठीक है। आप सबको रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। आप लोगों ने इतना समय दिया छुट्टी के दिन, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे, और कल की क्लास में फिर मिलते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।